आप अपना अपना नाम बता दीजिए। पर मेरा नाम कानचंद राणा। भक्तों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हम पहुँच गए हैं माँ तारा तारिणी के गेट पे। यहाँ से 2 किलोमीटर गाड़ी जा सकती है, उसके बाद 3 किलोमीटर यानी टोटल 5 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर सरकारी बस जाती है, वहाँ से बसें लगे सारे गाड़ियों को नीचे। माँ तारा तारिणी का ये शक्तिपीठ उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, पुरुषोत्तम पंचायत के अंदर पड़ता है और इस पहाड़ी का नाम कुमारी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यह शक्तिपीठ माँ तारा और तारिणी दो हैं, इसीलिए इसे तारा तारिणी बोलते हैं। और यहाँ पे माँ के 2 भैरव हैं और यह शक्तिपीठ ऋषिकुल्या नदी के किनारे पे स्थित है। ऋषिकुल्या नदी को माँ गंगा की बड़ी बहन यानी भगनी कहा जाता है, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। तो ये 4 आदि शक्तिपीठों में से पहले नंबर पर कामाख्या, दूसरे नंबर पर तारा तारिणी, तीसरे नंबर पर काली घाट कलकत्ता और चौथे नंबर पर माँ बिरजा जाजपुर उड़ीसा में उपस्थित है। तो आदि शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे माँ का स्तन गिरा था, माँ सती का स्तन गिरा था ऐसा माना जाता है। तारा तारिणी के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर है माता का मंदिर पहाड़ी पे, कुमारी हिल के नाम से पहाड़ी जानी जाती है। और देखो यहाँ से दिखाई देगा, वो जरा सा जूम कर सको तो ये देखिए माता का मंदिर दिखाई देगा। अब गाड़ी को यहीं पार्किंग में लगा के अब यहाँ पे स्टेट की बस लगी हुई सरकारी बस, वो 30 रुपये का टिकट लेते हैं एक व्यक्ति का आने जाने का। तो यहाँ से टिकट करके जाना पड़ेगा, हमें बस के द्वारा जाना पड़ेगा ऊपर। घड़ी 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 जा घड़ी जा तारा तारिणी, घड़ी 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 जा माँ तारा तारिणी, घड़ी 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 जा माँ तारा तारिणी, घड़ी 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 जा माँ तारा तारिणी। गंजाम जिलार पुरुषोत्तमपुर, गंजाम जिलार पुरुषोत्तमपुर सेठारे माँ तारा तारिणी, गड़ी 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 जा माँ तारा तारिणी, गड़ी 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 जा माँ तारा तारिणी। तारा तारा तारिणी बहुत सुंदर अटई तुहि माँ तारिणी, पर्वत शिखरे तोर घर अति सुंदरी,
माता रतारिणी तू ही तोर घर पर्वत श्रेणी गंजाम जिलार तुहि पुरुषोत्तम पुर रही तुहि मातारिणी तारा तारिणी तुहि मातारिणी तारा तारिणी माता रतारिणी माता रतारिणी माता रतारिणी गड़ी 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 जा घट गड़ी 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 जा पुरुषोत्तम पुरकु माता रतारिणी रहंती सेठी परी माता रतारिणी रहंती सेठी परी मातारिणी तारातारिणी अति सुंदरी काकू देखी देने मन जाए तो पूरी मातारिणी भारी सुंदरी काकू देखी देने नयन जाए पूरी मातारिणी डकोता ना सुनी मातारिणी भारी लगई सुंदरी माँ तारा तारी का शक्तिपीठ है। माता का यहाँ स्टैंड गिरा था और ये कुमारी हिल पर स्थित है और गंजन डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है। और ये देखिए कितना पूरा सुंदर मंदिर है और ये देखिए अब आपको दिखाई देगा कृषि कुल्या नदी जो यहाँ मंदिर से दिखाई देगा। इस नदी का दूसरा नाम कृषि कल्याणी सरस्वती के नाम से जानी जाती है और ये माँ गंगा की बड़ी बहन मानी जाती है ऐसा वेदों में वर्णन है। आपको दिखाई देगा इस शाम के समय का मंदिर का भिंगम दृश्य अति सुंदर है अद्भुत है आनंददायिनी है। अभी मंदिर खुलने में टाइम है जैसे मंदिर खुलेगा हम अंदर प्रवेश करेंगे और आपको भी अंदर का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मंदिर का ध्वज है ध्वज पताका लहरा गई है। भारतवर्ष में वैसे जो चारों आदिशक्ति पीठ है उनमें से ये माँ तारातारिणी आदिशक्ति पीठ एक है। भारतवर्ष में जैसे चार धाम जैसे वैसे चार आदिशक्ति पीठ हुए विमला पाद खंडनचो स्थल खंडनचो तारातारिणी कामाख्या योनि खंडनचो मोह खंडनचो कालिका भगवती माँ पार्वती का जब सत्य युग में
दग्ध हुआ शरीर का खंड विखंड हुआ था, उनमें से जो भी स्थान में पड़ा माँ माता जी का अंग उस स्थान में शक्तिपीठ उत्पन्न हुए, जो भी माता जी का आदिशक्ति पीठ उत्पन्न हुआ है यहाँ पे माता जी का वक्ष स्थल गिरा है, इसलिए तारा उतारण जो शक्ति है और कामाख्या में योनि भाग है, और पुरी में जो विमल है पैर भाग है, और कलकत्ता में जो काली है वो मुख पीठ है, वैसे ही चार आदिशक्ति पीठ सारा ब्रह्मांड में माता जी का नाम प्रसार प्रसारित हुआ है। यहाँ भैरव का नाम क्या है, कुछ विशेष भैरव का नाम है? तारा उतारण का भैरव है सोमनाथ, और पुरी सर दो भैरव है, नीचे है माता जी का भैरव, वो तारा उतारण दो शक्ति है इसलिए दो भैरव है। कहाँ पे है भैरव? इधर नीचे नीचे है, नीचे नीचे वाला सोमनाथ का मंदिर और खुरेश्वर महादेव। अच्छा, भैरव है नीचे नीचे 3 किलोमीटर नीचे? जी जी, पहाड़ के नीचे ऋषिकुला नदी तट पर अवस्थापित है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। जय माता जी। नीचे माता का भैरव है, दो भैरव है, ऋषिकेश नदी तट में एक भैरव है, इसका नाम है खुदेश्वर महादेव, इसका बाजू में आगे 2.5 किलोमीटर है, इसका नाम है पंच महादेव, सोमेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव। चलिए आप अपना अपना नाम बता दीजिए। पर मेरा नाम कान्हा चंद राणा। मेरा नाम अविनाश राणा है, माँ का सेवा है, भगवान राणा माता जी का अंग लगा। ठीक है, थैंक यू। और क्या बताएंगे यहाँ के बारे में कुछ? और माँ का स्तन गिरा था ना यहाँ का उड़िया में उड़िया में बता दो, अच्छा लगेगा मुझे। पौराणिक कथा अनुसार जितेबले पार्वती पिता दक्षपति पूजा महाराज जितेबले यज्ञ करूथले सेतेबले शिव पार्वती की निमंत्रण दे नथले, सेतेबले पार्वती कहले समस्त की देवादेवती की निमंत्रण करले, हम को कहीं निमंत्रण करले बोली यज्ञ आवेदन कले, सी पार्वती यज्ञ कुंड निजक आह्वान करदे, से शिव जानी मो शक्ति देवी आवाहन यज्ञ से शिव तान नृत्य कले, इसको आपको शांत करने भगवान शिव तांडव नृत्य कले, विष्णु आसिले सुदर्शन चक्र रे इसको शरीर को विखंडित कले, जो दो शरीर जोड़े पड़ी से आदि शक्ति पीठ। भक्तों माँ के दर्शन करें इससे पहले हमें पुजारी कालाचंद जी मंदिर परिसर में अन्य देवताओं के दर्शन करा रहे हैं। आप भी मेरे साथ मंदिर परिसर में उपस्थित अन्य देवी देवताओं के दर्शन कर लीजिए, फिर उसके माँ के दर्शन करेंगे। Thank you.
अंदर पूजा होने लगी है, अंदर पूजा होने लगी है। अब हम किसके दर्शन करेंगे, अब किसके दर्शन करेंगे? जगन्नाथ प्रभु अब कहाँ जाना है? अंदर जाएंगे, अंदर जब इधर करेगा ना, इधर करेगा। अच्छा, जब उधर पूजा करेंगे उसके बाद जा। चलो ठीक है।
चार दिन की आरती हो चुकी है, अभी शाम के समय का वक्त है। तो इस देखिए कितना पत्थर से बना हुआ मंदिर है, अद्भुत है। आज भीड़ इतनी है, अद्भुत है लेकिन मंदिर। वासुदेव वासुदेव वासुदेव, ये जो त्रिशूल है वो अद्भुत है। अविनाश जी हमें भैरव मंदिर के पास ले जा रहे हैं जो यहाँ से नीचे है, और अविनाश जी मंदिर के पुजारी, इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ये माँ तारा के भैरव हैं विशेश्वरनाथ। अविनाश जी ने ये दरवाज़ा खोला, आज बहुत कष्ट दे दिया मैंने अविनाश जी को। क्या नाम? सोम नहीं, सर खुदेश्वर महादेव। खुदेश्वर महादेव, पंडित जी जाइए। अविनाश जी हमें माँ ऋषिकुल्या नदी के पास ले जा रहे हैं। ये माँ गंगा की बड़ी बहन है, और दूसरे भैरव के दर्शन हम सुबह करेंगे और गंगा में स्नान भी सुबह करेंगे अविनाश जी के साथ। और देखते हैं, अंधेरा हो चुका है, देखते हैं कितना दिखाई देता है। ये हम ऋषिकुल्या नदी के घाट पर आ गए हैं अविनाश जी के सहायता से, और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और अविनाश जी ने हमारे रहने की व्यवस्था की है, मैं इनका आभारी हूं। अविनाश जी ने हमारे लिए बहुत ही कष्ट उठाए, उन्होंने हमारे लिए यहां रहने की व्यवस्था की है। तो यहां से मंदिर बिल्कुल सामने दिखाई देगा आपको, और हम आज यहीं सोएंगे। कल सुबह अविनाश जी के साथ गंगा स्नान करेंगे, ये रहा कमरा, और फिर माँ के दर्शन करके दूसरे भैरव पंचेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ दो माताएं एक साथ हैं, तारा और तारिणी, उनके दो भैरव हैं।